आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स इज v1 एंड द वेरिएंस ऑफ नेक्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स इज v2, देन v1 प्लस v2 इज व्हाट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि हमारे पास फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस v1 है और सेकंड 50 नेक्स्ट 50 ऑड नंबर्स का वेरिएंस जो है v2 है, तो v1 प्लस v2 क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंसेप्ट पता ना होना चाहिए कि देखिए वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस मैं बोलूंगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए अगर हम फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स तक हैं, तो देखिए क्या होगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन टिल 99। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये जो डेटा है इसमें हर एक डेटा के बीच में क्या है, 2-2 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो क्या होंगे, 101, 103, 105 एंड सो ऑन टिल 199। ठीक है, तो देखिए हर एक चीज को, यानी इस हर एक नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 100 प्लस 1, 100 प्लस 3, 100 प्लस 5 एंड सो ऑन टिल 100 प्लस 99। ठीक है, तो देखिए ये जो नेक्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनमें क्या किया हमने, बस 100 ऐड कर दिया हमारे फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे इस पूरे डेटा का अगर हमें वेरिएंस v1 दिया है और इस पूरे डेटा का वेरिएंस v2 दिया है, तो हम बोलेंगे v1 इज इक्वल्स टू v2। क्यों? क्योंकि देखिए वेरिएंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, वेरिएंस इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, मतलब आप इसको 100 यूनिट शिफ्ट करिए या 10 यूनिट शिफ्ट करिए या 1000 यूनिट शिफ्ट करिए, अगर देखिए हम किसी भी पूरे टर्म्स को जिसका वेरिएंस निकालना है उसको देखिए सम क्वांटिटी प्लस ओरिजिनल सीक्वेंस का क्वांटिटी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको देखिए 100 यूनिट शिफ्ट कर दिया इस पूरी सीरीज को, तो देखिए शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएंस में, ये एक कंसेप्ट होता है। इसलिए देखिए हम क्या बोलेंगे, v1 इज इक्वल्स टू v2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का अब हम वेरिएंस निकाल लेंगे। तो देखिए वेरिएंस अगर किसी भी डेटा का क्या होता है, ये होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स, या देखिए हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से हमारे पास वेरिएंस निकालते हैं हम इस फॉर्मूला से, यानी समेशन ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स माइनस समेशन ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं हमारे फर्स्ट नेचुरल 50 नेचुरल नंबर्स के लिए निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड अप टू प्लस 99 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय, हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 50, और फिर देखिए इधर माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 99 डिवाइडेड बाय 50 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वेरिएंस। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, तो देखिए इस पूरे इसको हम देखिए क्या बोलेंगे, s1 बोल देंगे। ठीक है, s1 इज इक्वल्स टू मैं बोलूँगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। तो देखिए s1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ 2n-1 द होल स्क्वायर, n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 50। ठीक है, तो देखिए ये पूरा जो है समेशन ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to 50 ऑफ, ये देखिए क्या आ जाएगा, 2n-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4n² - 4n+1। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया समेशन ऑफ 4 into summation of n square n is equals to 1 to 50 minus 4 into summation of n n is equals to 1 to 50
प्लस समेशन ऑफ वन एन इज इक्वल्स टू वन टू 50, ठीक है। तो देखिए समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एन एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स माइनस फोर इंटू समेशन ऑफ एन क्या होता है एन एन प्लस वन बाय टू प्लस समेशन ऑफ वन क्या होता है एन, ठीक है। तो देखिए ये आ गया मेरे पास एस वन, ठीक है। इसको देखिए इक्वेशन वन बोल देंगे और इस वाले पूरे सम को मैं क्या बोलूँगा एस टू, ठीक है। या फिर देखिए इधर जो है समीशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू वन टू 50 था, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे और देखिए 50 की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 इंटू फोर इंटू 51 इंटू 101 बाय 6 माइनस 4 इंटू 50 इंटू 51 बाय 2 प्लस 50, ठीक है। तो देखिए 6 जो है ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 34 इंटू 101 माइनस, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, ये 4 जो है ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और देखिए सॉरी n प्लस 1 था, n इंटू n प्लस 1 तो 50 इंटू 51 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू, इसको मैं लिखूँगा 50 इंटू 52 से 1 51 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 102 प्लस 50, ठीक है। तो देखिए इसको मैं 50 कॉमन ले लेता हूँ और ये आ जाएगा 34 इंटू 101 क्या आ जाएगा 3434 माइनस 102 प्लस 1 विच इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 33, देखिए 102 ये आ जाएगा 3333, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारे पास, देखिए ये ऐसे हो गया, S1 हो गया। S2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2n माइनस 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1 टू 50। जैसे देखिए इस पूरे चीज स्क्वायर था तो स्क्वायर किया था हमने, देखिए नॉर्मल चीज को हमने इस तरह से ही लिख दिया। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू समेशन ऑफ n, n इज इक्वल्स टू 1 टू 50 माइनस समेशन ऑफ 1, n इज इक्वल्स टू 1 टू 50। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एन एन प्लस 1 बाय 2 माइनस एन, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और एन इज इक्वल्स टू 50 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 51 माइनस 50। तो यहाँ से भी 50 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 51 माइनस 1 विच इज 50 इंटू 50, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो देखिए वेरियंस क्या आ जाएगा मुझे, वेरियंस यहाँ मैं लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू एस वन जो कि क्या है 3333 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। देखिए पूरा सम जो है S1 था और डिवाइडेड बाय 50 था, फिर माइनस 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50 दी होल स्क्वायर। तो देखिए 50 से 50 कैंसिल, ये 50 से 50 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया 3333 माइनस 50 का स्क्वायर यानी 2500, और ये वेरियंस की वैल्यू V1 दी थी और ये आ जाएगा 833 के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला था हमने V1 इज इक्वल्स टू V2, तो V1 प्लस V2 क्या होगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 2V1 विच इज 2 इंटू 833 जो कि क्या हो जाएगा 1666। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1666। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।